नमस्कार, टेक्निकल एनालिसिस की श्रृंखला में हमने अब तक कैंडलस्टिक्स का थोड़ा सा परिचय हुआ है। ज़ीरोडा के साथ टाई अप करके ये श्रृंखला हमने शुरू की है। सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे हैं वो ज़ीरोडा ने हमें दिया है। जब हम कैंडलस्टिक्स की बात कर रहे हैं और हमने जब शैडो और बॉडी के बारे में देखा, तो अभी ये एक चार्ट है अपने सामने, ये इंट्रा डे चार्ट है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो 9:30 बजे से ये चार्ट है और ये अभी 2, 2:15 जो भी समय हुआ है वो चार्ट बन रहा है वहाँ पे। तो अगर आपको ट्रेड करना है, और ये हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि हम सीखी उस प्रकार से रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंट्राडे करें। वी आर नॉट एट ऑल सजेस्टिंग कि आप इंट्राडे करें या आप क्या करना है, ये निर्णय आपका आपको लेना है। पर किस तरह से चार्ट हमसे बात करते हैं या चार्ट हमें क्या बताते हैं, बस ये समझने के लिए हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आज सुबह 9:30 बजे से अब तक हमको दिख रहा है कि बाजार ऐसा कुछ तो भी गया। ये आज के दिन का सबसे ऊपर का भाव था जो कि 10,535 के आसपास कुछ तो भी, ये यहाँ का भाव था सबसे ऊपर। उसके बाद बाजार नीचे आया नीचे आया नीचे आया और सबसे नीचे ये भाव पे, तो 505 का भाव बाजार ने सबसे नीचे का स्तर दिखाया और उसके बाद फिर बाजार ऊपर 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 जाते, अभी हम यहां पे कहीं तो भी है। तो अभी हमें ध्यान ये देना है कि हमने जैसे पिछले बार कहा था कि लॉन्गर द बॉडी मोर इज द कन्विक्शन एंड लॉन्गर इज द शैडो मोर इज द कन्फ्यूजन। तो ये वाला जो भाग है आप देख सकते हो, यहाँ से बाजार नीचे आया, यहाँ पे कुछ देर था फिर नीचे आया और अभी केवल इस इतने इस पे अगर हम ध्यान देंगे, केवल इतने समय पे तो बाजार एक चैनल में है। बाजार 520 से 525 5 पॉइंट के इसमें बाजार कितना मिनट था, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट तक बाजार पूरा इसी 5 पॉइंट में था। 520, 525, ऊपर जाएगा नीचे आएगा फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसमें इतने बड़े शैडोज बनते गए, ये शैडो 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 शैडो। आप ये 10 मिनट में देख सकते हो कि शैडोज ही ज़्यादा है वीडियोज में, कैंडल्स में। तो पहले तो ये समझने की कोशिश करती है कि कैंडल बनती है, कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी या फिलोसॉफी क्या है। हर एक कैंडल एक बुल और एक बेयर के बीच की फाइट दिखाती है। बुल वो होता है, तेजी करने वाला वो होता है जो खरीदता है और जो अपेक्षा करता है कि बाजार यहां से ऊपर जाएगा। तो जो तेजी करने वाला है उसका हथियार रहेगा पैसा, तो वो पैसा डालते जाएगा बाजार में, पैसा डालेगा उसकी वजह से भाव ऊपर जाएगा। जो मंदी करने वाला है उसका हथियार रहेगा सिक्योरिटीज या डिलीवरी या माल, वो बेचते जाएगा, तो वो बेचते जाएगा माल छोड़ेगा बाजार में और उसकी वजह से वो भाव नीचे लाने की कोशिश करेगा। और पूरा जो लड़ाई होती है वो ये बुल और बेयर के बीच में ही होती है, इसके पास पैसे ज़्यादा है कि इसके पास सिक्योरिटीज ज़्यादा है। अगर पैसे ज़्यादा है तो ये भाव को, ये जितना बेचेगा ये पूरा खरीदते 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 जाएगा और ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि ये तो खरीदना ही चाहता है। 100 पे खरीदेगा, 101, 102, 103, 105, इसके ख़त्म हो गए सब और इसको 105 पे भी नहीं मिला तो ये 106 पे खरीदेगा, 107 पे खरीदेगा, 108 पे खरीदेगा। अभी ये क्यों खरीद रहा है 100 से 108, उसको कुछ कहानी पता होगी, वो एक अलग बात है, पर इसको खरीदना है, इसको बेचना है। तो इसने 100 पे बेचा, 99 पे बेचा, 98 पे बेचा, तो 100 से 90 तक इसने पूरा भाव अपने बिकवाली से नीचे लेके आ गया, पर इसके पास अभी भी बहुत सारे शेयर्स पड़े हैं और 90 पे कोई खरीदने वाला नहीं है, तो ये अपना बेचने का भाव 89 कर देगा, बेचने का भाव 88 कर देगा। ध्यान देंगे, कई बार ऐसा होता है जब शेयर बाजार में एकदम से बिकवाली आती है, अगर आपके पास मिड कैप स्टॉक्स होंगे तो उसमें लोअर सर्किट लग जाता है क्योंकि कोई खरीदारी नहीं रहता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जिसको बेचना है वो पैनिक में बेच रहा है, वो फियर में बेच रहा है, चाहे जो भी हो मुझे इसमें से निकलना है,
और फिर वो बेचने में कोई खरीदने को ही तैयार नहीं है, तो वो भाव 2% 5% 10% जो भी भाव है उतना नीचे आ जाएगा, और एक दिन में उससे ज़्यादा नीचे जा नहीं सकता भाव, क्योंकि उसमें सर्किट लिमिट रहती है। तो जो बुल और बेयर का जो फाइट चलते रहता है हरदम, उसमें स्पेशली मिड कैप स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो वो एकदम से उसमें सेलिंग आ जाती है। अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा टेक्निकल तो हम करेंगे, पर यहाँ पे एक और ध्यान दीजिए, अगर आपने एक अच्छा शेयर पहचान के रखा है, आपने कोई एक शेयर चाहे फंडामेंटल्स बोलो चाहे टेक्निकल्स, जब ऐसा बिकवाली वाला दिन अगर आता है कि जिसमें जम से बिकवाली हो गई, तो सब लोग जब वहाँ पे बेच रहे तब आप भी पैनिक होके बेचने की आवश्यकता नहीं। हमने पहले भी कहा था, अगर आपका पोर्टफोलियो साइज थोड़ा ठीक ठाक है, बड़ा साइज है, बड़ा यानी 10 लाख 15 लाख के ऊपर का, तो हेज करने का थोड़ा सा आप देखिए आपके सलाहकार से या किसी से, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आपने कोई शेयर खरीद के रखा है तो जस्ट क्योंकि एक दिन मार्केट नीचे गिर रहा है किसी कारण की वजह से, इसलिए आप भी सबके साथ बेचने लगे और फिर लिक्विडिटी नहीं मिलेगी और फिर लोअर सर्किट लग जाएगा, कुछ होगा, तो ये सबसे थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिए। और इसके लिए एक अच्छा निवेशक ये कैंडलस्टिक्स का पढ़ाई इसलिए करेगा क्योंकि वो राह देखते रहेगा कि कब वो वाला बड़ा फॉल आता है। अच्छा निवेशक कभी शेयर बाजार ऊपर जाने की राह नहीं देखता, क्योंकि बाजार तो ऊपर जाने ही वाला है। अच्छा निवेशक वो होता है जो बाजार नीचे आने की राह देखता है, क्योंकि जब नीचे आएगा तब मैं और खरीद सकूंगा। तो कैंडलस्टिक्स का या टेक्निकल का या फंडामेंटल का या इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स का हम इस तरह से लाभ ले सकते हैं, लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कहा था लॉन्गर द शैडो मोर इज द कन्फ्यूजन। ये क्यों, यहाँ पे भी आप देख सकते हो शैडोज ही बनते जा रहे हैं, ज़्यादा शैडोज ही है। ये बॉडी में कोई दम नहीं है। ये बॉडी देखिए और ये बॉडी के तुलना में ये सारी बॉडीज देखिए, तो देर इज मोर शैडो ही है। अब यहाँ पे अगर मुझे निर्णय लेना है कि मैं ये स्टॉक खरीदूंगा या मैं ये स्टॉक बेचूंगा, क्या करूंगा मैं, तो जस्ट फॉर डिस्कशन ये पॉइंट पे जब तक इसके ऊपर नहीं जा रहा था, उसमें भी अगर आप ध्यान देखेंगे ये और ये चारों कैंडल्स में एक के बाद एक हाई जो है वो पिछले मिनट से नीचे बन रहा था, तो इसको आप कहेंगे लोअर हाई, यानी कि बाजार ऊपर तो ये कैंडल भरे ही हरे कलर की है पर यहां पे तो ऊपर जा ही नहीं रहा है, क्योंकि हाई उतना नहीं बना रहा है जितना पिछले बार का बना रहा है यहां। तो इसलिए आप भले ही कहेंगे कि दिस इज अ ग्रीन कैंडल, पर जब तक ये वाला जो पॉइंट है, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक इट विल नॉट बी अ बुलिश इंडिकेटर। यहां पे भी आप देख सकते हैं वही हुआ, एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, चार मिनट, हर बार शैडोज ही शैडोज बन रही है। ये शैडो जब अपर शैडो बन रही है तो अपर शैडो का अर्थ क्या रहेगा, इसको थोड़ा सा साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। वो बुल एंड बेयर का जो हमने बात किया कि बाजार ऊपर जा रहा है लेकिन वहां पे बिकवाली आ रही है और इसके लिए फिर से बाजार नीचे दब रहा है, फिर से उसको ऊपर लेके जाने की, ऊपर कौन लेके जाने की कोशिश करता है, बुल। बुल कैसे कोशिश करेगा, बुल यानी कोई व्यक्ति नहीं होता है, आप और मैं कभी बुल रहेंगे कभी बेयर रहेंगे। तो हम यहां पे खरीदेंगे, हम क्या कोशिश करेंगे कि ऊपर 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 जाए, लेकिन हमको बार बार क्या दिख रहा है, यहां पे आके नीचे आ रहा है, यहां पे आके नीचे आ रहा है, यहां पे आके नीचे आ रहा है। तो जब इतने बार आपको यहां पे 10 मिनट तक बाजार एक रेंज में था और फिर ऊपर गया, यहां पे फिर से बाजार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मिनट तक रहा, तो एक बात तो बहुत पक्की है और हमारे शुरुआत से जो हमने कहा कि आज का दिन भर का चार्ट है, तो आज सुबह 9:30 बजे से दिख रहा है, आज सुबह 9:30 बजे से हमें दिख रहा है कि 535 ये बाजार का हाई है आज का, 10,535। अब उसके बाद नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर पूरा नीचे आया। तो जब भी बाजार यहाँ पे इतना देर था फिर ऊपर, तो ये पूरा चार्ट देख के दिख रहा है वैसे ही कि बाजार वैसे ही बहुत ऊपर है और यहाँ से इसको हर बार 535 या 530 के पास बाजार में बिकवाली ज़्यादा आ रही है, और प्लस चार्ट्स भी आपको दिखा रहे हैं। ये कोई लंबे लंबे बड़े बड़े हरे कैंडल्स नहीं बन रहे हैं, ये हरा भी कैंडल बन रहा है तो भी इतनी सी बॉडी है और हरा कैंडल है, इतनी सी बॉडी है और हरा कैंडल है,
शैडोज ही इतने बड़े, एक बड़ा कैंडल बन गया लेकिन उसके बाद फिर से 10 छोटे छोटे, 5 छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हरे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको दिखता है कि कैंडल्स में शैडोज और उसमें भी जो अपर शैडो है, अपर शैडो क्यों बनती है, क्योंकि बाजार यहाँ पे था, यहाँ पे गया और यहाँ से जब नीचे आएगा तो ये पॉइंट बन जाएगा, तो ये आपकी शैडो बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब कंटिन्यूसली अपर शैडो बन रही है तो यहाँ पे बुलिश होने में कोई बहुत मतलब नहीं है। यहाँ से ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ये है कि हम बाजार को शॉर्ट कर सकेंगे। अभी अगर आपने मान के अभी आ गया, स्टॉप लॉस कैसे लगेगा, तो अगेन फिर से स्टॉप लॉस वगैरह जैसे शब्द एक छोटे निवेशक ने उससे दूर रहना चाहिए। दूर इसलिए रहना चाहिए, ट्रेडिंग तो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है, पर फिर भी अगर आप पढ़ाई के हिसाब से देख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि सुबह से दिख रहा है कि बाजार 535 के ऊपर नहीं जा रहा है, अभी तो 530 भी नहीं कट रहा है। आप यहाँ पे लॉन्ग करके मतलब ही नहीं है, आप यहाँ पे 530 पे शॉर्ट करके बैठेंगे और आपका स्टॉप लॉस 530, या आपने अगर यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे दिख रहा है कैसे तो भी रोते रोते बाजार ऊपर गया, यहाँ पे फिर से अपर शैडोज बन रही है, आप शॉर्ट करो, चाहे यहाँ शॉर्ट करेंगे चाहे यहाँ शॉर्ट करेंगे, आपका स्टॉप लॉस लगभग 535 के आसपास रहना चाहिए क्योंकि ये सुबह का हाई है। सुबह बाजार यहाँ से ऊपर जा नहीं सका, इसका मतलब ये नहीं है आप हर बार हाई को ही स्टॉप लॉस बनाएंगे। मैं बहुत सिलेक्टेड इस वीडियो के इसमें बहुत सिर्फ पढ़ाई के हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट कर देंगे और फिर आप जो भी आपका टारगेट होगा, चाहे इंट्राडे कर रहे हैं, चाहे आपकी आपके डिलीवरी वाले स्टॉक्स होंगे तो आप यहाँ पे बेच देंगे, ये अगर स्टॉक्स का चार्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि कैंडलस्टिक्स हमें एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पर ये जो हमने यहाँ पे किया, अभी देखते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे कहा कि 30 पे शॉर्ट कर सकते हैं, तो कभी तो भी कवर भी करना पड़ेगा। तो आपका जो भी ये रहेगा, अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो फ्यूचर्स हैं तो जो 10 पॉइंट 20 पॉइंट, मैं इंट्राडे करता नहीं हूँ तो मुझे वो कैलकुलेशंस मैं सही प्रकार से बता नहीं पाऊँगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इंट्राडे ना करें। ये चार्ट्स आपके सामने इंट्राडे के हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपके सामने कैंडल्स बनेगी, क्योंकि थियोरी तो कोई भी बात कर सकता है कि लाल कैंडल ऐसी होती है, हरी कैंडल वैसी होती है, तो प्रैक्टिस के लिए हम सिर्फ बात कर रहे हैं। ये चार्ट अगर आपके सामने है और ये चार्ट पे अगर एक निर्णय लेना है तो केवल इतना देख के तो अभी यही लग रहा है कि यहाँ पे बिकवाली ज़्यादा आने की संभावना है, ना कि तेजी। हम गलत हो सकते हैं क्या? हम गलत हो सकते हैं, हम सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। अपने को करना क्या है, अपना उद्देश्य ये रहेगा हरदम कि ज़्यादा से ज़्यादा बार हम सही हो, और जब सही हो तो ज़्यादा लंबा अपना प्रॉफिट दौड़े, कम बार हम गलत हो, और जब गलत होंगे तो हमारे लॉसेस कम होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते हो, मान के चलिए आपने ये पॉइंट पे भी शॉर्ट कर दिया, जब ही लग रहा था कि यहाँ से बाजार ऊपर नहीं जाएगा, तो मान के चलिए आपने 22 पे शॉर्ट कर दिया। अब आपने शॉर्ट किया, कई बार ये भी गलती होती है, गलती यानी अपने साथ होता है कि हम शॉर्ट करते हैं तो बाजार ऊपर भाग जाता है, हम लॉन्ग करते हैं, हम शॉर्ट करते हैं तो बाजार ऊपर भाग जाता है, और हम खरीदते हैं तो बाजार नीचे गिर जाता है, और फिर हम बड़े पैनिक हो जाते हैं कि अरे यार मैंने बेच दिया उसके बाद ही शेयर ऊपर गया, या मैंने खरीद लिया और उसके बाद वो शेयर, मेरे खरीदते अगले दिन से वो शेयर नीचे जाना शुरू हो गया। तो एक पीटर लिंच का बहुत अच्छा वाक्य है कि शेयर बाजार में आने के लिए आपका कितना दिमाग है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ मच वोलेटिलिटी कैन यू स्टमक, कैन यू, और स्पेशली ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो ना करें ट्रेडिंग। मैं बार बार कैंडलस्टिक्स के बारे में हम कम बात करेंगे और ट्रेडिंग मत करो इसी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, पर अगर आप पोजिशनल स्टॉक्स भी लेते हैं, आपने 100 रुपये में एक स्टॉक लिया, अगले दिन वो 98 हो गया, 95 हो गया, 96 हो गया, जैसे MRF के उदाहरण में हमने देखा था कि आपने वो 72,000 पे स्टॉक खरीद लिया और वो 72,000 का स्टॉक फिर 62,000 तक कुछ तो भी गया।
तो जिसने 70 पे लिया 72 पे लिया वो डर जाता है कि अरे यार मैंने लिया इतना, पहले तो इतना महंगा स्टॉक लेता नहीं है कोई, पर उदाहरण के लिए हम कह रहे हैं। या पीडीलाइट का हुआ था 830 840 पे लिया और फिर वो कुछ नीचे आया, कुछ बाय बैक का कुछ न्यूज़ आया। अब अगर आप ये मन बना चुके हो कि मुझे पीडीलाइट खरीदना है या मुझे MRF खरीदना है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारे पास ये सारे शेयर्स हैं और हम जो भी बात कर रहे हैं वो हिस्टोरिकल डेटा पे बात कर रहे हैं। अगर आप मन बना चुके हो और आपके पास अगर पैसा है तो भैया 70 में अगर MRF अच्छा लगता है तो 62 में तो और अच्छा लगना चाहिए। 850 पे अगर आपको पीडीलाइट अच्छा लगता है तो 800 पे तो और अच्छा लगना चाहिए। ये हम कब सोच पाएंगे? जब हम शांति से सोचेंगे। पर हम पैनिक से सोचते हैं, अरे मैंने 70 पे खरीदा, अरे वो तो 62 हो गया, मुझे नुकसान हो गया करके। तो ये जो पैनिक वाला पार्ट है वो यहाँ पे दिखता है कि हमने 22 पे शॉर्ट किया, हमने शॉर्ट किया उसके बाद बाजार ऊपर गया। हम में से अधिकतर लोग ये स्टॉप लॉस पे अपना हिट हो जाएगा, या तो दूसरा हमने भले ही 35 का स्टॉप लॉस लगाया होगा, बहुत पढ़ाई करके वीडियो देख के सब अपने किया कि आज का दिन का हाई ये 35 का है तो चलो हम 35 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो आपने 22 पे अगर शॉर्ट किया, यहां पे आपने शॉर्ट किया और वो 30 तक भी चले गया तो आपको 8 पॉइंट का नुकसान है। अभी अगर लॉट साइज 100 का पकड़ लो आसानी के लिए, तो आपको दिख रहा है कि अरे 10 मिनट में ही मुझे 800 रुपए का नुकसान हो गया करके, और हम फिर यहां पे अरे अरे स्टॉप लॉस कट कर दो, स्टॉप लॉस कट कर दो, हम यहां पे कवर कर लेंगे। सिस्टम ने बताया है कि ये वाला स्टॉप लॉस लगाओ क्योंकि ये डे हाई है, पर हम पैनिक हो गए और इसलिए हमने यहां पे अपनी पोजीशन है ना 8 पॉइंट 10 पॉइंट। तो इसलिए इंट्राडे तो करो ही मत, पर चाहे इंट्राडे हो चाहे डिलीवरी स्टॉक्स हो, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर फेसिंग दैट वोलेटिलिटी। और अगर वोलेटिलिटी नहीं जमती, सी अगर आप शेयर बाजार में दीर्घावधि के निवेशक हो तो 21,000 का सेंसेक्स 8,000 पे भी आया था एक ही साल में, और 8,000 का 16-17,000 भी गया था एक ही साल में। अगर आपको ये वोलेटिलिटी नहीं सहन होती है तो फिक्स डिपॉजिट में जाएं। आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि शेयर बाजार के तरह से रिटर्न्स मिले, लेकिन यार वोलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो इस वोलेटिलिटी से निकलने के लिए थोड़ी सी पढ़ाई अगर हम करेंगे तो शायद हमें कम तकलीफ होगी। तो इसके लिए ये अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये भी गलती करते हैं हम, जैसा लेट अस कम बैक टू आवर स्टडी, कि यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था ये वाले पॉइंट पे, हमने 22 पे शॉर्ट किया था, हमने अगर 22 पे शॉर्ट किया था हमारा स्टॉप लॉस 35 का था। पहली गलती क्या होती है, थोड़ा सा हमारे विरुद्ध चले गया, हम कहते हैं अरे 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 तो स्टॉप लॉस भले ही ऊपर का लगाया हो हम वो स्टॉप लॉस के तक पहुँचते नहीं, हम यहीं पर पैनिक में हमारी पोजिशन कवर कर लेते हैं। ये पहली गलती। SIP में भी निवेशक यही गलती करते हैं। आप SIP लगाते हो म्यूचुअल फंड में, आप SIP लगाते हो, बाजार नीचे 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 आता है, 6 महीने 8 महीने बाजार नीचे आया, निवेशक कहते हैं अरे हमने SIP लगाने के बावजूद भी तो हमें नुकसान ही हो रहा है। आप बराबर बाजार जब सबसे नीचे होता है, आप यानी आप नहीं हम सभी, बाजार जब सबसे नीचे होता है तभी हम हमारी SIP बंद कर देते, जबकि सबसे ज़्यादा लाभ तो वहीं पर होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर एक यंत्रणा बनाई है, अगर एक सिस्टम बनाया है तो वो सिस्टम को फॉलो करें। आपके पास 1,00,000 रुपए है तो आप 1,00,000 की सारी पोजीशन ले लो, ये भी गलत है। आप 2,000 की पोजीशन लो, आप 3,000 की पोजीशन लो, लेट लिक्विडिटी बी देयर। ट्रेडिंग में वैसे तो ट्रेडिंग मत करें, पर ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो 1,00,000 रुपए की अगर आपकी पोजीशन है, कैपिटल है, तो आप पूरे 1,00,000 की पोजीशन मत लो, 2,000 या 3,000 की पोजीशन लो। छोटा पैसा बनेगा पर अंदर तो आएगा। आप एक ही रात में सब पैसा बनाने के लिए जाएंगे तो एक ही रात में सब पैसा चले जाएगा, इसलिए 2,000 3,000 रोज़ थोड़ा थोड़ा इस हिसाब से हमें करना है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, पहली गलती से चलो हम बच गए कि हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन कवर नहीं की, हम यहाँ पे बने रहे। ये वो अपनी हमारी पढ़ाई कितनी तगड़ी है और हमारी जेब में ताकत कितनी है, ये दोनों के ऊपर निर्भर करता है हम यहाँ पे क्या करेंगे। ये आएगा अनुभव से। अब आप पैसे देकर ही नुकसान करेंगे तो सीखना है, उससे अच्छा आप 1,000 चार्ट्स खुद ही देखिए, या आप इंट्राडे रोज चार्ट अपने सामने लगा के पेपर पे ट्रेड करिए,
पेपर पे ट्रेड करने से उतना पैसा जाता है तभी सीखने को मिलता है, ऐसा लोग कहते हैं, पर ये हम हर एक व्यक्ति का अपना निर्णय रहेगा। पर ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जिस जो अगर आप फॉलो करेंगे तो अच्छे निवेशक बन सकेंगे। तो यहाँ से अगर आपने अभी 22 पे शॉर्ट किया, जैसे ये वाला था 22 वाला, अभी दूसरा एक ये भी बन रहा है, अभी ये पूरा ही इतने देर में, अगर जब तक हम बात कर रहे हैं चार्ट बनने की राह देख रहे हैं, हमें राह देखनी पड़ती है, पेशेंस। आई मीन आपको चाहे ऊपर चाहे नीचे, आपको ये नहीं है कि आपने पोजीशन ले ली तो बाजार इमीडिएटली 10 पॉइंट नीचे गिर जाएगा और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो पर अब तक ये दिख रहा है कि बाजार ये 10-20 पॉइंट के रेंज से जा ही नहीं रहा है, 22 के ऊपर नहीं जा रहा है, सॉरी 22 के नीचे नहीं जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए, 22 के नीचे नहीं जा रहा है और ये 30 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो हम अभी भी शॉर्ट ही है 22 के भाव पे। तो अभी ये 22 के भाव से बाजार कितना नीचे जाएगा, अच्छा अगर नीचे जाता भी है, अगर ये बाजार नीचे जाता भी है तो कब तक नीचे जाएगा, यानी वो नीचे जा रहा है एक बार 22 का, तो आपको शेयर बाजार में, शेयर बाजार भी छोड़िए, आप घर से भी अगर निकलेंगे कहीं जाने के लिए तो आपको पता होता है कि आपको जाना कहाँ पे है। यू शुड नो योर एग्जिट बिफोर यू जस्ट स्टार्ट द जर्नी। पता चला घर से कार में बैठ के किधर जाना पता ही नहीं है, ऐसे नहीं होता है। आपको पता रहना चाहिए कि अगर मैं एक शेयर में पोजीशन लेता हूँ डिलीवरी के लिए भी या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी, मेरा एग्जिट क्या होगा। मैंने 100 रुपये पे एक पोजीशन ली है, मुझे या तो 2 रुपये मैक्सिमम मैं लॉस कंसिडर करूँगा या तो 10 रुपये। एक बार 10 रुपये प्रॉफिट आ गया मैं उसके बाद रुकूंगा नहीं, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप वगैरह आप जो भी रहता है वो रहेगा। बट फॉर द मोमेंट हम ये पकड़ के चलते हैं कि हमारा 22 के नीचे शेयर का भाव जा नहीं रहा है, हम अभी भी अपने भाव टू भाव पे ही है। कई बार ये भी होता है कि यहाँ पे किसी ने शॉर्ट नहीं भी पोजीशन की तो भी ये समय आपको इतना फ्रस्ट्रेट कर देता है कि अरे नीचे जा नहीं रहा है, नीचे जा रहा है, और आप डरने लगते हो कि अरे मैंने पोजीशन ले ली है ठीक है ना, निकल जाओ इसमें से, मुझे नफा नुकसान कुछ भी नहीं होएगा, जाएगा तो सिर्फ ब्रोकरेज जाएगा और वहीं पे आपका नुकसान हो गया, क्योंकि नफा नहीं नुकसान नहीं कुछ भी नहीं, पर ब्रोकरेज तो आपने दे दिया। तो इसलिए बहुत लंबी पोजीशंस लो मत, ये कोशिश करो कि आप पहले वो वोलेटिलिटी स्टमक करने की क्षमता रखेंगे। अभी अपर शैडोज तो बन रही है, चार्ट के हिसाब से तो सब यही लग रहा है कि बाजार यहाँ से नीचे जाना चाहिए। अगर आपने 22 पे शॉर्ट किया है, मान के चलिए आपका 10 पॉइंट का टारगेट है, तो अगर बाजार 12 पे आता है तो 12 पे आपका बाय का ऑर्डर आपने रख लेना चाहिए वापस से। उससे क्या होगा कि बाजार उसके बाद में कहीं पे भी जाए, 12 पे आके फिर से वापस वो 30 40 50 कुछ भी जाए, पर आपका जो पार्ट था 22 पे शॉर्ट 12 पे कवर, आपको आपके पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो शायद तो लग रहा है कि हमारा कॉल सही जाएगा। लेट अस सी अभी व्हाट हाउ द मार्केट बिहेव्स। बट यही है, अगर आप यहाँ पे अगर 22 का भी लेटेस्ट यहाँ पे लगा के रखते हैं, तो अपना अगर यहाँ पे भी कहीं तो भी आ जाता है 17 12 ये 15 का लेवल है, तो आपने पहले से ऑर्डर डाल के रख दिया कवर का, तो एक बार भी अगर आता है मार्केट उसको टच भी करके जाता है तो आपका ट्रेड बाहर हो जाएगा। ये हो गया इंट्राडे के हिसाब से। डिलीवरी के हिसाब से भी वही, आपने एक अच्छा शेयर चुन के रखा है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने खरीदना कब चाहिए। देखिए, आपको अगर शेयर खरीदना है तो आप उसका टॉप या बॉटम की राह नहीं देख सकते। यहाँ पे कौन रहा, किसको पता है कि ये अपना 12 पे आएगा भी कि नहीं आएगा। हम यहाँ पे लाइव बात कर रहे हैं, हमने ये पोजीशन ली है थियोरेटिकली समझने के लिए कि 22 पे शॉर्ट करके बैठे हैं, राह देख रहे हैं कि वो आएगा 12 पे, एक बार 12 पे आ जाए तो अपना प्रॉफिट अपने को मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये नहीं पता कि हमारा प्राइस आएगा कि नहीं आएगा, हमें ये नहीं, और ये तो हम 10-15 मिनट की बात कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि वो 12 तक आएगा कि नहीं, 12 भी आया भी तो भी 12 के नीचे जाएगा कि 12 के, यानी कि हम में से कोई भी कभी भी टॉप या बॉटम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो फिर प्राइस को नीचे आने दो, फिर हम शेयर खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर मान के चलिए पिडिलाइट आपको खरीदना ही है, 850 है, आपको 840 पकड़ लो, आपको 840 पे आपको पिडिलाइट लग रहा है, अब 840 पे एक शेयर ले लो, 830 पे एक ऑर्डर डाल दो, 820 पे एक शेयर का, आप 10-10 रुपए नीचे लिमिट ऑर्डर्स प्लेस करके रख दो ना।
फिर लोग बोलते हैं अरे नहीं पर वो एक ही ऑर्डर एक ही शेयर अगर डाला तो ब्रोकरेज बहुत ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा जाता है। सी अगर आप 10 साल पकड़ने के हिसाब से अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ये ब्रोकरेज 20 पैसा 50 पैसा जो भी आता है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि डिविडेंड में ही उतना पैसा पूरा निकल जाता है। तो हमें हमारा पोर्टफोलियो ये बाकी के निर्णयों पर निर्भर नहीं रहेगा कि शेयर बाजार यानी कॉस्ट कितनी होगी या क्या, या मैं लोएस्ट पॉइंट पकड़ूंगा या टॉप या बॉटम पकड़ूंगा, वॉट एवर, ये नहीं होता है। सीधा नियम रहता है, आप एक एक भाव पे धीरे 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 नीचे 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 के भाव डालते रहो, जितना शेयर जब आ जाएगा तब आपको उतना मिल गया, दैट इज़ वॉट इट इज़। राकेश झुंझुनवाला सर का एक लाइन है, भाव भगवान है हम कदरदान है, इट्स जस्ट लाइक दैट। हमको नहीं पता यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे फिर से देख रहे हैं कि ये दिख तो रहा है कि ये नीचे आ रहा है, बट स्टिल इट इज़ टेस्टिंग अवर पेशेंस फॉर द मोमेंट। थियोरेटिकली हमने 22 पे अगर बेचा है तो अभी हम 20 पे, और वो कैंडल्स जो हमने जो कैंडल्स की थियोरी के बारे में बात करी, ये पूरी की पूरी थियोरी वहाँ पे बनते जा रही है कि इतने लंबे लंबे अपर शैडोज बन रहे हैं, ये अपर शैडो लंबी है, ये अपर शैडो लंबी है। व्हेन यू आर हैविंग सच लॉन्ग अपर शैडोज इट मीन्स कि बुल्स ऊपर लेके जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे बिकवाली ज़्यादा लंबी आ रही है, इसके लिए भाव की पिटाई हो रही है। और इसी को हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि ये 12 या 15 तक इसका भाव आना चाहिए, पर फिर भी वही है कि कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। सो दैट इज, बट पढ़ाई इस, वो देखो एक मिनट में अपना आ गया, पढ़ाई इस तरह से होती है, दिस इज वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशंस। अगर आपने भाव डाल के रखा है 17 पे या 15 पे या 12 पे जो भी है, एक बार आके बाजार यहाँ से वापस ऊपर जा सकते हैं, और ये ट्रेडिंग में ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके विरुद्ध जाती है। बिल्कुल भी ट्रेडिंग आप करें ये नहीं बता रहा हूँ, उल्टा कैसे चीज़ें आपके उल्टी दिशा में है वही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर आपने भाव डाल के नहीं रखा, यहाँ पे अभी बड़ा अच्छा लगता है अपने को कि अपना सौदा बराबर चले गया और पैसा ज़्यादा आ रहा है, हम ग्रीडी बन जाते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे फियरफुल थे, हो गया, अगर आपने 12 पे भाव डाल के रखा होगा तो आपका ट्रेड कंप्लीट हो गया, अभी निकल जाओ, अभी बाजार कुछ भी हो कहीं पे भी हो। यहाँ पे अगर हमने वो ट्रेड कंप्लीट नहीं किया फिर यहाँ पे हम बोलते हैं अरे बाजार दारे मैंने कवर नहीं करना चाहिए था, वो 10 पे जा रहा है, 9 पे जा रहा है, 8 पे जा रहा। आपको मिल गया ना आपका पॉइंट, ये सिस्टम होना आवश्यक है। और जैसे हमने अभी ये जो पढ़ाई करे, इतनी सारी चीज़ें दिख रही थी उसके ऊपर एक पोजीशन ली, तो इसके बाद हमें फिर ट्रेडर्स रिमोर्स या इन अ डिफरेंट वे हमें ये लगता है अरे यार मैंने 1,00,000 रुपए थे मैंने 10 लॉट शॉर्ट किया, जो भी था मैंने लंबी क्वांटिटी में करना है। ऐसा कभी मत करो, ये तो ठीक है हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते करते सही आ गया, पर गलतियाँ हमसे भी होती है। कम अमाउंट्स में करो जो भी करना है, ट्रेडिंग मैं करता नहीं हूँ ये सिर्फ, पर हम जो निवेश करते हैं उसके लिए पढ़ाई हम अवश्य इसी प्रकार से ही करते हैं। तो ये अपना एक कैंडलस्टिक्स के ऊपर इतना आसान तो वीडियो है, आप शैडोज लोअर द, यहाँ पे हम बताने के लिए क्या कहेंगे, अरे नया टॉप बनाया, अरे नया टॉप बनाया, नया टॉप इज़ नॉट द न्यूज़, द न्यूज़ इज मार्केट ने नया टॉप बनाया लेकिन वो नया टॉप सस्टेन नहीं कर पाया। सो लॉन्गर द शैडो न्यूज़ ये बनेगी कि इट इज़ अ न्यू हाई, लेकिन सच ये है कि वो न्यू हाई सस्टेन नहीं हुआ। और अगर न्यू हाई सस्टेन नहीं हुआ तो इसका मतलब है ऊपर के लेवल पे बिकवाली आ रही है और इसकी वजह से शायद नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है। सो दिस इज़ हाउ यू शुड बी टेक। अभी तो ये तो जम के नीचे जा रहा है, इसको डिलीवरी के हिसाब से भी देख लो, अगर आपने नीचे नीचे के ट्रेडिंग छोड़ दो, अगर आपने डिलीवरी के लिए भी 30 पे एक भाव डाल के रख दिया, 20 पे एक भाव डाल के रख दिया, 10 पे एक भाव डाल के रख दिया, 500 पे एक भाव डाल के रख दिया, जैसा जैसा बाजार नीचे 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 आएगा आपको अपने आप आपका प्राइस मिलते जाएगा। तो एक उदाहरण लेंगे, आपने 30 पे एक शेयर खरीदा, 20 पे आपने एक शेयर खरीदा, 10 पे आपने एक शेयर खरीदा और 500 पे आपने एक शेयर खरीदा, यानी टोटल आपने 4 शेयर्स खरीदे। हमको पता नहीं था कि 30 के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, 500 से क्या होगा हमें ये भी नहीं पता,
लेकिन धीरे 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 अपने 4 शेयर आ गए और 515 अपना एवरेज प्राइस हो जाएगा। सो 530 से लेके, और अगर अभी और नीचे आप 490 पे भी एक डाल के रख दो, 480 पे भी एक डाल के रख दो, तो जैसे जैसे नीचे के भाव डाल के रख दो, बाजार एक आध बार चक्कर मारेगा, आपको आपके शेयर दे के जाएगा। ये रोज आप करके रखो, रोज एक एक दो दो, एक एक दो दो, ब्रोकरेज ज़्यादा जाएगा, अरे जाने दो ना, पर आपकी जो इतनी सारी डिलीवरी हो जाएगी एक साल भर में, उसके ऊपर कभी एक आध बार भी अगर आपको 1:1 बोनस मिल गया, सब फ्री होता है ना। आप कहाँ पे फिर राह देख रहे हो कि नहीं मैं 480 जब तक नहीं आता मैं तब तक नहीं खरीदूंगा, किसको पता 480 आएगा कि नहीं आएगा। सो देयरफॉर ये इतना आसान होता है, ये सब हमने किया, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये जो दिख रहा था इसके ऊपर से हमने कोशिश की और तकदीर से ये हो भी गया। उल्टा ये भी हो सकता था कि यहाँ से ऊपर जाके स्टॉप लॉस लग सकता था, पर थोड़ी सी और पार्श्वभूमि देना जरूरी है कि ये क्यों 530 पे। सी थोड़ा सा और पढ़ाई करके आएंगे अगर आप, तो बाजार 10,530 पे इतना ऊपर है कि यहाँ से और ऊपर जाने के लिए कोई खास कारण नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार एकदम से बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा, पर ऊपर जाने के लिए थोड़ा कठिन लग रहा है। पर अगर आप डिलीवरी वाले शेयर होल्डर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म वाले शेयर होल्डर हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी होती है, ट्रेडिंग वेडिंग में मत पढ़िए। चलिए धन्यवाद, अगर ये कर लेते इंट्राडे तो सही में थोड़े पैसे बन जाते, पर ठीक है जो भी है, इंट्राडे में नहीं करना है, पोजिशंस लीजिए, पढ़ाई करिए। अगेन एक ही चीज़ काम में आएगी, 1000 चार्ट्स देखो। आप बोलेंगे कि इसको कैसे ये पता चला, मुझे पता इसलिए चल सका क्योंकि ये इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहते हैं, और कभी कभी सही हो जाता है, कभी कभी गलत होता है, दोनों चीज़ें होती है। तो जब शेयर बाज़ार में आते हैं तो नफ़ा नुकसान दोनों होगा, दोनों के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 35 का स्टॉप लॉस लगाया है तो वो 34 पे भी जाता है तो भी डरना नहीं है, और 12 का टारगेट लगाया है तो 22 से 12 मिल गया तो उसके बाद वो 490 भी जाए तो भी आपको उसमें ग्रीडी नहीं होना है। डिसिप्लिन बनेंगे, रोज करेंगे, सो ये डिलीवरी के हिसाब से, नॉट नेसेसरीली ट्रेडिंग के हिसाब से, थोड़ा डिसिप्लिन लाइए अपने आप में, शेयर मार्केट हैज़ गॉट इमेंस अपॉर्चुनिटीज़। चलिए धन्यवाद, आपने ये वीडियो भी पसंद किया, इसके लिए इसके पहले भी जो वीडियोज़ आ रहे हैं आप पसंद कर रहे, तो आपको भी धन्यवाद, ज़ीरोडा को भी धन्यवाद।